हरतालिका तीज की सर्गी में इन चीज़ों का सेवन करने से दिन भर आपको भूख और प्यास से परेशानी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हरतालिका व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रखती है। निर्जला व्रत होने के कारण अक्सर महिलाओं को यह व्रत करने में बेहद कमजोरी और थकान हो जाती है। ऐसे में अगर आप व्रत रखने से पहले सर्गी में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे व्रत वाले दिन आपको एनर्जी मिले और भूख प्यास और कमजोरी ना लगे, उन्हीं में से एक चीज़ है नारियल का पानी। नारियल पानी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सर्गी में अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो दिन भर प्यास नहीं लगेगी और शरीर भी हाइड्रेट रहेगा। तीज व्रत की सर्गी में फलों का भी सेवन कर सकते हैं। फल शरीर में पानी की कमी को नहीं होने देता है और शरीर को एनर्जी देने के साथ हाइड्रेट भी रखता है। इसके बाद आप दही का भी सेवन कर सकते हैं। दही शरीर को एनर्जी देने के साथ हाइड्रेट रखते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को अपनी सर्गी में शामिल कर सकते हैं। इसके सेवन से आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा, शरीर में एनर्जी बना रहेगा। इसके अलावा आप सर्गी में ग्लूकोन डी पानी भी ले सकते हैं। इससे दिन भर आपको एनर्जी मिलती रहेगी और प्यास भी नहीं लगेगी। इनमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल कॉल से क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।